स्वागत है आपका इंडियन फूड विद उषा में। आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने गैस ऑन कर लिया है और पैन रख दिया है। पैन हमारा गर्म हो चुका है। थोड़ा सा हम इसमें तेल डालते हैं। पनीर को हमने चौकोर काट लिया है कुछ इस साइज में। आप चाहें तो इसे बड़ा और छोटा भी रख सकते हैं। पनीर डालेंगे। एक तरफ का लगभग ये हो चुका है, इसको हम पलटेंगे। पनीर हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, इसको हम निकालते हैं। बहुत ज्यादा इसको डार्क ब्राउन भी नहीं करना है और हल्का भी नहीं रखना है। मैंने सारा पनीर को तल लिया है। ये लगभग 500 ग्राम पनीर है और इसको हम इस बाउल में, इसमें ही पनीर रखी थी मैं, इसमें सोक करूंगी। सारे पनीर को तल ली हूँ मैं। ये लगभग 500 ग्राम पनीर है। इस बाउल में पनीर रखी थी और मैं इसमें पानी डाल के सारे पनीर को भिंगो के रखूंगी ताकि ये सॉफ्ट। पनीर को मैंने पानी में भिंगो दिया है इस तरह से ताकि ये कुछ देर तक सॉफ्ट रहे। पैन हमारा गर्म है, इसमें मैं पनीर तली थी, इसमें और डालते हैं थोड़ा सा। एक छोटा चम्मच जीरा, आंच धीमा रखेंगे। दालचीनी एक टुकड़ा, बड़ी इलायची, इसको तोड़ के डालते हैं। दो छोटी इलायची और ये चार लौंग, मीडियम साइज के दो मोटे टुकड़े में प्याज काट लिए हैं इस तरह। Thank you.
टमाटर भी इसी शेप में चौकोर ही काट लिया है, छोटे बड़े कुछ भी काट सकते हैं। पांच छह कली लहसुन है भी डाल देते हैं। कसूरी मेथी एक छोटी चम्मच, नमक एक छोटी चम्मच। नमक हम अभी डालते हैं ताकि ये जल्द पकेगा और उसका कलर भी चेंज नहीं होगा। आज तेज करते हैं, तो तेज आग पर ही देते हैं। दस बारह काजू के टुकड़े हैं, इसको भी मिक्स में डाल देते हैं और साथ में फ्राई करते हैं। आप चाहे तो इसे कच्चा भी इस तरह से फ्राई कर सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। दो खड़ा लाल मिर्चा डालते हैं, आप अपनी तीखा अपने हिसाब से कर सकते हैं, ज़्यादा तीखा खाना हो तो ज़्यादा मिर्च और कम तीखा खाना हो तो कम मिर्च डालिए। इसको मुलायम होने तक नहीं भूनना है। काजू के अगर नारियल भी भून सकते हैं और बाद में उसका पेस्ट बना सकते हैं। खाते हैं प्याज टमाटर हमारे भून चुके हैं, गैस ऑफ कर देते हैं और इसको ठंडा होने पर मिक्सी में या फिर बट्टे पर आप पीसिए। बस ध्यान ये रखना है कि ये दरदरा टाइप का हो, पेस्ट नहीं होना चाहिए। आप चाहे तो पेस्ट भी बना सकते हैं। कढ़ाई गर्म हो गया है, इसमें तेल डालते हैं। प्याज लहसुन काजू का पेस्ट बना लिया है इस तरह से।
बड़े साइज को शिमला मिर्च को इस तरह से चौकोर काट ली हूँ। तेल गर्म हो गया है, इसमें हम शिमला मिर्च डालते हैं। शिमला मिर्च थोड़ा मुलायम हो गया है, इसमें एक छोटी चम्मच हल्दी डालते हैं। आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप लाल मिर्च पाउडर अपने हिसाब से कम या ज़्यादा। तेल में हल्दी में डाल दिए, कलर इसका अच्छा आता है। टमाटर प्याज काजू का पेस्ट डालेंगे। पानी नहीं डालेंगे, ऐसे ही पकाएंगे। एक छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, मसाले हमारे भून चुके हैं, ये कढ़ाई में से तेल भी निकल रहा है, इसका मतलब ये हो गया है। पानी डालते हैं, पानी आप अपने आवश्यकता अनुसार डाल सकते हैं। ग्रेवी गाढ़ी रखनी हो तो कम और पतली रखनी हो तो ज्यादा। पनीर को मैंने पानी में भिगो के रखा था और पानी सही थी, पनीर को भी इसमें डालते हैं ताकि इसका सारा तेल सब्जी में चला जाए। एक चम्मच नमक और डाल देते हैं, आप अपने अनुसार कम या ज्यादा नमक डाल सकते हैं। पांच मिनट के लिए इसको हम पकाएंगे। हमारा सब्जी तैयार हो गया है, आप चाहे तो ग्रेवी गाढ़ी और कितने को पतला रख सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।